हेलो एवरीवन, ये वीडियो बना रही हूँ बहुत मुश्किल से। आई रियली वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानता है, प्लीज डोंट टेक कोरोना सो लाइटली। वेरी बैड सिम्टम्स। प्लीज इररिस्पॉन्सिबल मत हो, अपने अपने मास्क पहन के बाहर निकलो। अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, डोंट रिमूव योर मास्क, क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल, देयर आर सम चिल्ड्रन, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम सांसें थमने से पहले दिल्ली की ये गर्भवती डॉक्टर लोगों को यही संदेश दे गई। जी हाँ, दीपिका अरोड़ा चावला नाम की ये डेंटिस्ट कोरोना से जिंदगी की जंग हार गईं। उन्हें 11 अप्रैल को कोरोना हुआ था और 26 अप्रैल को उन्होंने आखिरी सांस ली। दीपिका के साथ वो अजन्मा बच्चा भी दुनिया ना देख सका जो उनकी कोख में था। दीपिका अपने पीछे 3.5 साल के बेटे और पति को छोड़ गई हैं। 17 अप्रैल को रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में दीपिका लोगों को आगाह कर रही हैं कि कोरोना को हल्के में बिल्कुल ना लें। उनके पति रवीश ने ये वीडियो खुद शेयर किया है ताकि लोगों तक दीपिका का संदेश पहुंच सके। दीपिका नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस दर्द से गुजरना पड़े। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, बट आई रियली वॉन्ट टू कन्वे माई मैसेज टू ऑल। Please wear mask whenever you go outside, whenever you interact with people, either it is outside, either at home, for your near one and dear one's safety. I really pray ye condition kisi ki bhi na ho. And especially during my pregnancy, I really don't want kisi ko bhi ye symptoms aaye. Please tell your family members, don't take it so lightly. Maine apni puri jaan laga di. Main kabhi is tarike se baithne wali nahi hu. I always want to work. I always want to run, I always want to walk. पति रवीश ने बताया कि दीपिका खुद डॉक्टर थी, इसीलिए बहुत एहतियात बरतती थी, डबल ट्रिपल मास्क पहनती थी और कुछ जगहों पर तो पीपीई किट पहनकर भी जाती थी, लेकिन फिर भी वायरस का शिकार हो गईं। उन्होंने भी यही अपील की है कि कोरोना को हल्के में ना लें। रवीश ने कहा कि अंत में ये बहुत दर्दनाक होता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। दीपिका को मदर्स डे विश करते हुए उनके पति ने काफी इमोशनल पोस्ट लिखी है। वो दीपिका के लिए लिखते हैं, वो पूरी तरह मातृत्व को समर्पित थी और हमारे अजन्मे बच्चे के साथ उसका ख्याल रखने स्वर्ग चली गई और 3.5 साल के हमारे बच्चे को मेरे पास छोड़ गई। हैप्पी मदर्स डे दीपिका। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।